हमारे पास सबसे पहले भीलवाड़ा में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर इंचार्ज था उस अस्पताल का, बांगड़ अस्पताल में, वो किसी मिडिल ईस्ट के उनके गेस्ट आए थे, उनके संपर्क में आए, वो खुद पॉजिटिव हुए, उन्होंने अपने स्टाफ को पॉजिटिव किया, आईपीडी में जितने पेशेंट्स वहाँ उस अस्पताल में भर्ती थे वो सारे संक्रमित हुए, और जिनको ओपीडी में उन्होंने देखा वो भी संक्रमित हो गए। एकदम अचानक 26 पॉजिटिव केसेस भीलवाड़ा में आए। तत्काल सरकार ने फैसला किया, वहाँ कर्फ्यू इम्पोज किया गया, बॉर्डर सील किए गए भीलवाड़ा जिले के, उदयपुर से रैपिड रिस्पांस की टीम वहाँ भेजी गई, यहाँ मेडिकल डायरेक्टरेट से भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स को हमने वहाँ भेजा जो अभी तक वहाँ स्टेशनड है। उसके बाद कंटेनमेंट जो जोन है, रूथलेस कंटेनमेंट का प्रोग्राम बनाया गया, 1 किलोमीटर का दायरा, 3 किलोमीटर का दायरा और 5 किलोमीटर का जो बफर जोन है, उसमें हमने 3000 स्वास्थ्य कर्मियों की टीम छांटी और वहाँ एक्टिव सर्विलेंस का, सघन स्क्रीनिंग का काम शुरू किया गया। शहर के लिए अलग टीम बनी और देहात के लिए, रूरल पार्ट के लिए अलग टीम बनी, और उन टीमों ने पूरे जिले के 6 लाख परिवार हैं शहरी और देहात के, उनके 28 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की। वहाँ आवाजाही प्रतिबंधित थी, एसेंशियल जो गुड्स थी, रोजमर्रा के काम आने वाली चीज़ें, वो प्रशासन के द्वारा लोगों को भिजवाई गई, किसी को बाहर आने दिया नहीं गया। और ये रूथलेस कंटेनमेंट, क्योंकि हमने वहाँ क्वारंटाइन फैसिलिटी डेवलप की, वहाँ पे आइसोलेशन के बेड चिन्हित किए, वहाँ वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की गई, वहाँ आईसीयू का अरेंजमेंट किया गया, और ये जो मैनेजमेंट हुआ जिसकी चर्चा आज पूरी देश में और दुनिया में हो रही है, और ये भीलवाड़ा मॉडल को तो हमारे जो कनाडा के एम्बेसडर हैं उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि इस मॉडल पे आप लोगों को काम करना चाहिए।